शहर में लगे सीएम शिवराज के विवादित पोस्टर। जिला पंचायत अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में किया गया विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के साथ हुई आपातकाल पर परिचर्चा। शहर के कुछ स्थानों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए, जिसमें 50% लाओ काम कराओ का स्लोगन लिखा है। बाकायदा पोस्टर में QR कोड में CM शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी है। इस पोस्टर की चर्चा शहर में जोरों पर थी। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, जिससे इस तरह की साजिश कर रही है। पोस्टर किसने लगाया इसके बारे में मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। राज्य की जनता कोई लेन देना नहीं है ऐसे पोस्टरों से, प्रभावहीन होते हैं। इससे न मतदाता पर फर्क पड़ता, न किसी जनता पर फर्क पड़ने वाला है, न किसी समाज पर फर्क पड़ता। राज्य की जनता माननीय शिवराज सिंह चौहान के 4 बार के कार्यकाल को अच्छे से जानती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रकार से कोई भी गतिविधियां नहीं करती है। अगर कांग्रेस पार्टी को विरोध प्रदर्शन करना रहता है तो जिस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, उनकी जो गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, तो यह संविधान ने हमको अधिकार दिया है। ये जो पोस्टर आ रहा है इससे कांग्रेस का लेना देना कहीं कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से गुटबाजी हावी है, उस गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट ने दूसरे गुट को बदनाम करने के लिए या उनका विरोध करने के लिए इस प्रकार से वो पोस्टर वार हुआ। कांग्रेस का इसमें कहीं कुछ लेना देना नहीं। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खारी एवं देवरी में लाखों रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाऊराम गाड़ेश्वर सहित अन्य कांग्रेसी व बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जिस तरीके से सभी ने आप लोगों को धन्यवाद दिया है, और ये हकीकत है कि आप लोगों ने जो मुझे यहाँ से जिताया है तभी मैं आप लोगों के कुछ काम कर पा रहा हूँ। और आप निश्चित रहिए, जिस तरीके से मेरे पिताजी निस्वार्थ भाव से बिना किसी दाग लगाए आपके क्षेत्र में काम किया है, उन्हीं ने मुझे आगे बढ़ाया है कि राजनीति में घुसो। मेरे को मेरे क्षेत्र की, खासकर लालबर्रा क्षेत्र से उनको विशेष प्रेम रहा है, अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल की 48वीं बरसी पर लोकतंत्र की हुई हत्या की जानकारियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराने हेतु आपातकाल पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। वहीं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आपातकाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। आज भी कई पार्टी में होंगे, वो कहीं पर होंगे, पर घटना जो है बनी हुई है। हमारा जीवन जो है बहुत कम उम्र थी हमारी, मुझे बहुत कम उम्र थी। जेल से आने लोग भाई माता राम चाहिए उनका शांति कर रहे क्या, नया शांति करना कोई आते नहीं से आए लोग पहले देखते थे कि क्या कह रहे हैं आप, शासन द्वारा शहर के 3 ओवरब्रिज के लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें सरेखा रेलवे क्रॉसिंग व गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य हो गया है, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। शहर के अंदर सरेखा रेलवे क्रॉसिंग व भटेरा चौकी, गर्रा रेलवे क्रॉसिंग एवं बैहर रोड रेलवे क्रॉसिंग में ट्रेन की आवाजाही के समय फाटक बंद होने से राहगीरों को काफी परेशानी होती है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जिला बालाघाट से 60 प्रगतिशील कृषकों का दल प्रदेश के बाहर 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण के लिए गौरी शंकर बिसेन अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा कृषकों को यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि जो हमारी परंपरागत है,
जिसमें मोटा अनाज दलहन तिलहन पैदा करते हैं, इसके साथ साथ इसका बड़ा हिस्सा हॉर्टिकल्चर उद्यान की सब्जी भाजी। हमने देखा कि हमारे राज्य को इसमें काफ़ी और काम करने की आवश्यकता है, संभालना भी प्रबल है। इसीलिए महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती होती है। हापुस जिसको अल्फांजो हम कहते हैं, वो हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में पैदा होता है, रत्नागिरी और उसके पूरे इलाके में, जिसको विश्व का बाजार है। विश्व के बाजार में इंडिया का किसी मैंगो का नाम चल रहा है तो अल्फांजो का। अब वो स्थान हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब की बार हम बालाघाट नगर जिले में 50,000 ग्रेप्टेड मैंगो लगाएंगे।